So hello guys, once again welcome back to the channel and today is day 7 and मैं चला रहा हूँ ज़ारा। तो ज़ारा का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग गए थे राइड पे एंड बहुत ज़्यादा क्राउड था तो वहाँ पे मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया एंड अभी चल रहे हैं वापस हम लोग घर के तरफ। एंड राइट नाउ मैं हूँ फुलवारी शरीफ पटना में और भाई इधर का सीन देखो, इधर का सीन देख के मतलब बहुत दिन के बाद मन किया चलो थोड़ी बहुत ट्रैफिक फिल्टर करता हूँ क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इधर। एंड ज़ारा को चलाए हुए ट्रैफिक में काफ़ी दिन भी हो गई है। अभी मैंने मारा है ज़ारा से छोटा मोटा बर्नआउट, तो अगर आप लोग को बर्नआउट देखना है तो देख लो। ये देखो ये रहा स्क्रीन पे। तो गाइस कैसा लगा आप लोग को बर्नआउट एंड ज़ारा की परफॉर्मेंस पूरी की पूरी इंक्रीज़ हो गई है एंड आफ्टर 1000 किलोमीटर एक सर्विस भी करवा लेनी है, उसके बाद ज़ारा विल रॉक अगेन ऑन स्ट्रीट। एंड भाई ऑलमोस्ट टायर ख़त्म है बर्नआउट के बाद, आपको दिख ही रहा होगा। तो अब सोचो इसमें कौन सी टायर डलने वाली है। एंड डोमिनार के लिए भी मैंने टायर मंगवा रखा, तो आपने गेस नहीं किया था, बहुत लोग ने कुछ ने कमेंट सही किया था बट ऑलमोस्ट कुछ ही लोग ने सही कमेंट किया था, बाकी सब ने गलत कमेंट किया है। तो जल्दी से बताओ कि कौन सा टायर डलने वाला है। एंड ये जो टायर है वो मैंने पहले भी यूज़ किया है एंड आप लोग को पहले भी बताऊँ वीडियोज़ में कि ये टायर थोड़ा अच्छा लगता मुझे इस प्राइस सेगमेंट में देखी जाए तो, कहीं भी क्रॉस कर जाते हैं लोग। ज़ारा को यार स्ट्रीट में भगाने में जो मज़ा आता ना, अलग ही लेवल का, बिल्कुल अलग लेवल का। और आज मैं सोलो ही राइड कर रहा हूँ, मतलब ग्रुप में राइड करके और इसके बाद अभी वापस घर सोलो जा रहा हूँ क्योंकि यार इतना ज़्यादा रश हो गया था वहाँ पे, बिल्कुल मेरा मन नहीं था, एक भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया। ट्रैक वगैरह शूट करने का प्लान था बट कुछ भी नहीं क्योंकि इतने ज़्यादा रश में यार मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगा था एंड बहुत ज़्यादा क्राउड में थोड़ा हो जाता है। सो आई डिसाइडेड कि नहीं चलो आराम से सोलो ही चला लेंगे अकेले एंड आप लोग के लिए एक वीडियो शूट कर लूँगा क्योंकि आप लोग को चाहिए डेली व्लॉग्स। अब खुद देख लो ज़ारा की मैंने फुल टैंक कराई थी एंड अभी हो चुकी है हाफ टैंक, इट मीन्स कि बाइक कितनी किलोमीटर चली वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। बाइक चल चुकी है 256 किलोमीटर। तो आपने देखा जिस दिन की वीडियो मैंने उस दिन फुल कराई थी एंड आफ्टर डैट आप देख सकते हो 256 किलोमीटर्स बाइक चल चुकी है एंड हाफ टैंक हो चुकी है, मतलब बाइक अगर देखी जाए तो ऑलमोस्ट 350 to 400 किलोमीटर्स चलती है और उसमें उसके बाद फिर बाइक रिज़र्व लग जाती है। बट ज़ारा की माइलेज जो है अभी वो दे रही है अराउंड 50 क्योंकि स्ट्रीट में चला नहीं रहा हूँ स्ट्रीट में ज़्यादा और रश राइडिंग बहुत कमी हो रही है। सो ज़ारा इज़ गिविंग अ गुड माइलेज और भाई यही पसंद है मुझे MT-15 का एंड यामाहा के ऑलमोस्ट सारे बाइक्स का। भाई हाइपर क्लच का मज़ा तो इनिशियल में फील आ ही जाता है। और एक और चीज़ आप लोग को बताना था, मैं प्लान कर रहा हूँ शायद कि ज़ारा को रिप्लेस करके दूसरी ज़ारा लाऊं, तो आप लोग कमेंट करके बताओ शुड आई सेल दिस बाइक एंड टेक अ न्यू ज़ारा। क्योंकि देखो होता क्या प्रॉब्लम है कि ये BS4 है एंड BS6 इज़ मच बेटर देन दिस वन, क्योंकि जो BS6 है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है एंड एक्सलेशन की बात की जाए तो बिल्कुल दोनों की सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, पावर ड्रॉप नहीं हुई है, तो एक डील मिल रहा है मुझे थोड़ा अच्छा सा। तो अगर आप लोग बोलोगे देन आई विल डू डैट, अदरवाइज नॉट। अगर आप लोग का मन है कि हाँ मैं सेल कर दूँ इसको और दूसरी ज़रा ले आऊँ तो ज़रूर करूँगा, वरना अगर आप लोग नहीं बोलोगे
तो बिल्कुल नहीं करने वाला। सो इट्स ऑल अपॉन यू गाइस, क्योंकि ज़ारा सिर्फ मेरा नहीं आप सब लोग का भी है। तो जल्दी से बताओ कमेंट करके, शुड आई सेल दिस और नॉट। और भाई मैंने ये बाइक सेकंड हैंड ली थी, आप सबको पता है, बट फ्रेंड से ली थी, तो मैंने ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करा। बाइक इज़ स्टिल ऑन फर्स्ट ओनर, तो देखते हैं क्या होगा। मतलब थोड़ा सा नॉर्मल क्या चलाओ यार, लोग ऐसे चढ़ने ही लगते हैं। स्ट्रेट फिल्टर करने का मज़ा ही आता अलग। बहुत दिन से ये ट्रैफिक फिल्टर करने का बिल्कुल दिल कर रहा था, बट ट्रैफिक ही नहीं हो रहा था, एंड मिला भी तो आज थोड़ा बहुत, बट कोई अपोनेंट राइडर नहीं है, सो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बस ये शॉर्ट राइड ही होगा, शॉर्ट रेस। ओ भाई ये ट्रैक्टर वाले ने भाई क्या सही जगह लगा रखा है, मतलब कोई कॉर्नरिंग करता है और सीधा उसमें घुस जाएगा। तो राइट नाउ आई एम एट हज भवन, एंड हज भवन का सीन देख सकते हो पूरा का पूरा खाली है लॉकडाउन की वजह से। आज है 7th एंड लॉकडाउन हटने वाला है कल, तो यहाँ का कुछ ऐसा सीन है कि लॉकडाउन जैसे ही हटेगा, चांसेस तो है बट नॉट श्योर, तो देखते हैं। अगर लॉकडाउन हटा तो राइड वाइड प्लान करूँगा लॉन्ग राइड की, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, मतलब यहाँ पर राइड करके रह के। तो या तो पहाड़ों की तरफ चलेंगे या फिर सी साइड, तो देख लो किधर चले। बीचेस वगैरह भी जा सकते हैं आसपास में, भुवनेश्वर उड़ीसा पुरी है ये सब जा सकते हैं। एंड हिल साइड की मतलब माउंटेन साइड्स की बात की जाए पहाड़ों की तरफ, तो दार्जिलिंग गैंगटॉक, तो दार्जिलिंग गैंगटॉक बहुत बार जा चुका हूँ। तो जल्दी से गेस करो कहाँ जाने वाला हूँ, क्योंकि राइड करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। एंड जैसे ही सब जगह प्रॉपर तरीके से हट जाएगा, क्योंकि ये स्टेट लॉकडाउन है, ये सिर्फ प्रॉपर बिहार का है कि 8 तारीख को हटने वाला है, बाकी सारे स्टेट का अलग अलग है, तो हर स्टेट का अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही देखना पड़ेगा। अगर हर जगह मतलब मैं जहाँ प्लान कर रहा हूँ जाने का वहाँ पर अगर लॉकडाउन नहीं रहा तो निकल जाएंगे बस राइड पर ऑन माई डोमिनार, देखते। एंड गाइस अगली वीडियो होगी डोमिनार की, क्योंकि डोमिनार पे जो भी अभी टायर वायर चेंज कराने, तो उसकी प्रॉपर वीडियो आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड एंड सपोर्ट करो गाइस। यार वीडियो पे आप लोग मतलब अच्छे रिस्पांस नहीं दे रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इतना मेहनत करने पे डेली व्लॉग्स करने पे भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों का। अगर आप लोगों को कुछ चेंजेस चाहिए, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि आप लोग स्टोरी में मैंशन करो, कमेंट करो प्लीज़ कि किस चीज़ पर आप लोगों को रिलेटेड कंटेंट चाहिए, आई विल मेक इट फॉर श्योर। और एक बंदे ने कमेंट किया था भाई वैम्प पे वीडियो बनाओ, देखो यार वैम्प पे वीडियो तभी बनेगी जब वैम्प 2.0 आएगी, वो तो अब है नहीं। एंड मैं दूसरी R15 नहीं चला रहा हूँ, आप सबको पता है ये चीज़, क्योंकि यार मतलब चलाऊंगा तो खुद की चलाऊंगा, वरना R15 ही नहीं चलाऊंगा, ऐसा वाला सीन हो रखा है मेरा। तो बस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो को। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड धूप बहुत ज़्यादा हो रखा है गाइस, बहुत ही नेक्स्ट लेवल धूप है, तो घर पे रहो सेफली, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर नीड नहीं है तो मत ही निकलो। एंड धूप से थोड़ा बच के रहो, क्योंकि होता है कि हम लोग जैसे धूप से जाते हैं वापस घर और गला वाला बहुत सूखा रहता है, तो तुरंत जाके ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, और ये मेन रीज़न है कि हम लोग का तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, कोल्ड कफ फीवर ये सब मेन रीज़न है, तो इन सब के वजह से कोविड के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। सो बेटर कि आप लोग घर पे रहो, सेफली रहो, एंड बस मिलते हैं फिर अगली ब्लॉग में। एंटिल फिर देन, बाय बाय एंड राइड सेफ गाइस।